अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे जी। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। बहुत शॉपिंग कर ली अपनी, और आप आज दिन है सफाई का, मैंने कहा चलिए ईद की सफाई भी कर लें। तो मैंने धोए थे कपड़े, काफ़ी कपड़े सूख गए थे, मैंने उतार लिए थे। अभी बस रह गई थी बच्चों की पैंटें और वसीम की पैंटें, तो मैंने कहा चलिए ये भी उतार लेते हैं। और बाकी मैंने शोकेस के सारे बर्तन धोए हैं, मैंने कहा शीटें चेंज करते हैं, क्योंकि ईद में एक दिन ही रह गया, बहुत तैयारी करने वाली है। अभी मैंने अपना भी नहीं कुछ करवाया, ऑफिशियल मेहंदी कुछ भी नहीं। तो पहले कमरे की सारी सफाई कर ले, सेटिंग कर ले, फिर मैंने कहा अपनी भी कर लेंगे सब कुछ। तो मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ, कमरे में बहुत ज़्यादा बिखेरा पड़ा हुआ है, और मैं यही कह रही हूँ अल्लाह पाक कल ईद बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी ना हो। कोई भी काम नहीं किया मैंने, कपड़े थे वो भी ऐसे पड़े हुए हैं, बर्तन इधर पड़े हुए हैं, पीछे शोकेस खाली है। अभी सब तैयारी करनी है, अपनी तैयारी करनी है। और मैं ये कहती हूँ कि वसीम से ही मैं कहती हूँ, मैंने कहा ऐसे होना चाहिए था कि जब सारी रोजे खत्म हो गए ना, तो फिर एक छुट्टी आनी चाहिए। भी आज छुट्टी है तो कल ईद होगी, आज अपने सारे काम शाम कर लें, तो रोजे में नहीं इतने काम होते। आज भी मेरी बस होगी, मैंने और कहीं ने इतना काम किया, हमने सारा घर धो दिया, किचन धो दिया, तो बिल्कुल हिम्मत नहीं आया कुछ करने की। तो फिर भी किचन में हल्की फुल्की इफ्तारी बना रहे हैं, बस दही भल्ले और पकौड़े और साथ मीठा पानी, क्यों ना कि बिल्कुल। मैं तो कई को कहती ये भी रहने थे बाजार से मंगवा लेते हैं, तो कहते नहीं आज हम घर पे बनाते, तो फिर हम लोग घर पे बना रहे हैं। मैं क्या काई बेचारे ने सारा बनाया, मैं अपने सारे बर्तन वगैरह धो रही थी, ये शोकेस के हैं, तो बस यही था। और आज सुबह आप सच वीडियो नहीं अपलोड की, सही टाइम भी वीडियो बना रही थी, तो लाइट चली गई हमारी, 1:15 बजे गई सुबह, 5:30 बजे हमारी लाइट है। इतनी मुश्किल से सारी भी बनाई, तो इतना दिमाग ने काम किया कि बाजार से मंगवाती हूँ, आज भी बाजार से मंगा लूँ, अंधेरे में लगी हुई सारी बना के खा ली। तो अभी खाने में मैं बना रही हूँ भिंडियाँ, भिंडियाँ मैं हल्की आँच पर रखी हैं फ्राई होने के लिए, और काई अपना चीज़ें वगैरह तैयार करती, चलाई एक चक्कर किचन में लगा के आता कि किचन में क्या काम हो रहा है जी। तो काई बना रही है दही भल्ले, ये दही है और ये दही भल्लों का सामान है, काई के आलू कच्चे हैं अभी, और इधर बनाया पकौड़ों का सामान, और मैं एक तरफ बना रही हूँ भिंडियाँ, और ये काई के आलू अभी तक नहीं हुए। किचन में भी आपको दिखा के ले आई हूँ, अभी किचन में आज क्या बन रहा है हमारे घर। तो मुझे, मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर दें, क्यों ना कि ईद का कोई पता नहीं है, अगर ईद हो गई तो फिर नई तरीके से वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी, बाजार जाना पड़ेगा, मेहंदी लगवानी पड़ेगी, तो फिर एक और वीडियो बन जाएगी। फिलहाल के लिए यही वीडियो यहीं पर एंड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो अगर ईद हो गई तो फिर हम बाजार जाएंगे अपनी मेहंदी लगवाने, क्यों ना कि बुकिंग तो मैं करवा के आ चुकी थी मेहंदी की। तो अगर आज चांद रात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम बाजार जाएंगे, पहले सारे कमरे का खलारा से भी लूँगी, जो मैंने डाला हुआ बहुत ज़्यादा डाला हुआ, और मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं कि मैं अब ये संभाल लूँ। अभी कपड़े भी तय लगाने वाले हैं, सारे अलमारियाँ साफ करने वाली हैं। अलमारी तो वैसे मैं जब भी कपड़े धोती हूँ मैं ना साफ कर देती हूँ, वैसे भी मैं कपड़े ना बिखेरती नहीं हूँ ज़्यादा, साथ साथ रखती जाती हूँ, तो फिर जब मैं कपड़े धोती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अभी बस मैंने कपड़े तय लगा, मेरी बहन ने मुझे बहुत बहुत बड़ा धोखा दिया, भाई ने स्टैंड ला के रखा हुआ है अपने घर। तो अम्मी की तरफ आई थी 2 हफ्ते पहले भी आई थी, रात को भी आई है, तो फिर मुझे कहती मैं आप ही आपका स्टैंड भूल गई हूँ, ईद पे ऐस पक्का मैं ना तुम्हारा स्टैंड रही होंगी, मैं क्या करूँ, मेरी बहन थी। तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर मुझे कहती यस सॉरी, आज कसम से मुझे नहीं याद रहा, सच्ची बात है मैं भूल गई थी, मैंने जान के नहीं किया। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मेरी बहन है, अपनी बहन से लड़ थोड़ी ना सकती हूँ, शुक्र है खुदा का हम 5 बहनें, हमारी कभी कभी रोजे हैं, कभी भी हमारी बहनों की लड़ाई नहीं हुई। हाँ शादी से पहले होती थी, वो तो होती रहती है सब बहनों की, शादी के बाद कहते ना कोई सीरियसली कोई लड़ाई होगी, किसी बहन को कोई बात बुरी लगी, कुछ भी नहीं आया था कैसा हुआ, और ना ही कभी ऐसा, और ना ही कभी हम लोग अपने बच्चों की वजह से लड़ाई की, इकट्ठे होते हैं लड़ भी लेते हैं खेल भी लेते हैं, पर हम बहनें कभी नहीं बोली, बच्चों ने एक हो जाना फिर बंदा एक दूसरे के सामने बुरा बन जाता है। तो हमारी बहनों की भी कभी लड़ाई नहीं हुई, तो बस हमारी बहनों में बहुत प्यार है, अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार रखे। कोई बात नहीं, मेरी बहन भूल गया तो ईद पे ले आएगी, ईद पे कौन सा दिन रह गया, कल नहीं तो परसों ईद हो ही जानी है, और मेरा स्टैंड मुझे मिल जाएगा, फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह करे ईद कल ना हो परसों, क्योंकि कमरे में बहुत बिखेरा पड़ा। मैं आपको बैक कमरा ऑन करके दिखाती हूँ कि मैंने बर्तन नीचे रखे हुए हैं बच्चों से हटा के, तो फिर भी जायफा बर्तनों के पास ही जा रहा है। मैंने सारे बर्तन धो के ड्रेसिंग टेबल पे लगाए हुए हैं, अब शीटें बिछा कर जनेल लेके आई, फिर मैं उसके अंदर रखूंगी अपने शोकेस के अंदर, जो अभी और बर्तन है वो किचन में पड़े हैं। और ये देखें जायफा बार बार आ रहा है बर्तनों को छेड़ने के लिए। जायफा नो, बुरी बात नो, मेरा बेटा हैंडी नहीं लगाना, बड़ा जायफा नहीं बाज आ रहा है, देखा चीज़ें पकड़ा बार बार। तो मैं तो ये दुआ करूँ अल्लाह करे कल ईद ना हो, अगर ईद होगी तो मैं इतना ज़्यादा बिखेरा डाला मैं कैसे समेटूंगी, तो अल्लाह करे ना ही ईद हो और मैं अपने सारे काम शाम खत्म कर लूँ। तो अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप भी दुआ करें कि कल ईद ना हो और मैं भी करूँगी, फिर भी चलनी तो हमारी हुकूमत की है ना, होते तो 30 रोज़ हैं पर जैसा हमारी हुकूमत की वैसा ही होगा, तो जी जैसा कहेंगे करना ही पड़ेगा। फिर पिछली मरतबा भी ऐसा ही हुआ था, तो सबके साथ ईद मनाई थी हमने, तो नेक्स्ट मंथ तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।